हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आई एस ज्ञान। आपण मैंने भावुवे एत दिन पर आज कौन वीडियो अपलोड है। एक्चुअली आम भावुँ आदि ओएस एग्जाम होबार थिला जेहेतु मे 23 रे आमर, तो आम भावुँ कि एग्जाम हो तो एबे मेन्स ओरिएंटेड न पढ़ी बेसी मॉक टेस्ट बा प्रीलिम्स उपरको फोकस करवा। बाकी एग्जाम जेहेतु पोस्टपोन हो जाए तो आम एबे गोटे काम करें पुणी थे आम क्लास स्टार्ट कर। ठीक अच्छे, सो चलत स्टार्ट करवा। ओडिशा हिस्ट्री आपण जानते जेहतु एग्जाम घुंची जाइए आप एम्पल ऑफ टाइम मिलगला, आप पुणी थे बुक स्टार्ट करें इंटेंसिव वे अधिकारु अधिका पढ़ी पारे। सो चलतु आप हिस्ट्री को देखी दिंतु। आप भावते हिस्ट्री गोटे लॉन्ग पाठ बहुत खोदा खोदा है कि वर्ड्स थी तो डरी जातु आग को मजा अच्छी। एबे फर्स्ट वेटा बा फर्स्ट टेस्टा टी कष्ट लगे जेहेतु वर्डिंग गुड़ा आम आक्वेंटेड वन्स आक्वेंटेड होमको इजी लगे। सो चलतु स्टार्ट करवा ओडिशार प्री हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री इन ओडिशा बिगिन्स इन द लोअर पैलियोलिथिक एरा। ठीक अच्छे, लोअर पैलियोलिथिक एरा कौन आपण मैंने जानते जो मुझे हिस्ट्री करें एंशिएंट हिस्ट्री, तो से तीनटा स्टेट तीनटा आमर अच्छी एरा गोटे है पैलियोलिथिक पालियो मेजोलिथिक आ गोटे आमर नियोलिथिक। तो पालियोलिथिक रो पूर्वर हो जी आमर लोअर पालियोलिथिक जो स्टेज रे कि आमर ओडिशा रे ह्यूमन एक्जिस्टेंस स्टार्ट हो जाइथिला। द एटा आमर कोर्ट रे लिखा है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ ओडिशा कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मेंशंस फाउंड इन द एंशिएंट टेक्स्ट लाइक महाभारत महागोविंद सूत सम पुराणस ए सब रे आमर देखिबा को मिले कोन ना आमर ओडिशा रो एक्जिस्टेंस माने आम ओडिशा विषय रे किछि लिखा अछि ए सब थिरे। ठीक अछि, देन आमर अशोक आमर ये जो पार्ट आप देखुं ये पार्ट को आम इंट्रोडक्शन भी लिखिपर कौन सी मेन्स एग्जाम आप देखें जाऊँगी ओएस रो ओ एस रो आप इंट्रोडक्शन देपारे जे केमी आम अशोक जे कि आम मौर्यन डायनेस्टी आम रूलर थे से केमी कलिंग वार करते कलिंग वार आम कौटी आमर ओडिशार होता कौटी आम दया रिभर दया रिभर जोटा कि आम भुवनेश्वर अच्छी। तो दया रिभर कूल में जितेबाला कलिंग वार करते अशोक आसिकी ओडिशा को अटाक करते तो से कौन होता ना दया नदी पूरा गोटे रक्त रंजित हो जाता आम कह कि पानी रंग नाल ही होता है यहाँ कि आम कौटू आम बही जहाँ पढ़ुचे आम आम हिस्ट्री जहाँ देखुचे आम आम पाखे जो आभेलेबल रिसोर्सेस अच्छे आम से आम जहाँ जानूचे जे गोटे नदी रंग पूरा रेड हो जाइवर तो से कौन होता ना ताक देखी आम अशोक जे कि आम मौर्या डायनेस्ट मौर्यन डायनेस्टी जे रूलर थे सी एक्चुअल धर्म आम जो कहे चंडाशोक रु धर्माशोक परिणत हो जाते तो कलिंग वार ही बदल देता। ठीक अच्छे, कलिंग वार तो आमर कौन होता ना देखो द रिजल्टिंग ब्लड सेड एंड सफरिंग ऑफ द वार डीपली अफेक्टेड अशोका एंड ही टर्नड इनटू ए पैसिफिस्ट एंड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो ये आम ओडिशार कल्चर आमर ओडिशार बुद्धिज्म इंपोर्टेंसटा को ग्लोरीफाए कराई तो यहाँ आप इंट्रोडक्शन भी लिखिपारे लास्ट में कनक्लूजन भी देपारे। द इयर 1568 CE इज कनसीडर्ड ए पाइवटाल पॉइंट इन द रीजन्स हिस्ट्री। इन 1568 CE द रीजन वाज कनकर्ड बाय द आर्मीज ऑफ द सल्टन सल्तनेट ऑफ बंगाल माने बंगाल रे आमर जो सल्तनेट बा सुल्तान रहुतिले से भी आम ओडिशा को दिने राज करुतिले बा आम ओडिशा रे तांकर डायनेस्टी को आगो को नहीं थे। द रीजन लॉस्ट इट्स माने धीरे धीरे कौन हुए ना जमती गोटे सत्ता आसे गोटे सत्ता जाए से सत्तार भी धीरे धीरे माने आम कौन कहीपर अवनति घटला बामर जो कला पहाड़ जी आम सुल्तानेट बेंगल आमर जी लेड बाय द आइकोनोक्लास्ट जनरल कला पहाड़ से भी इंपोर्टेंस हर बसिले। द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द रीजन वेयर मोर ट्रिब्यूटरी लॉर्ड्स दैन एक्चुअल किंग्स। ठीक अच्छे, एक्चुअल किंग नुहे कि लॉर्ड भाया मैंने व्यवहार करुले। आफ्टर 1751 द मराठास गेन कंट्रोल ऑफ द रीजन फॉर ऑलमोस्ट हाफ ए डेकेड माने आम कहीपर कि बेंगल परे परे आमको आमर मराठा माने आमको प्राय 50 वर्ष भाया आमको मानने कौन शासन करते। इन 1803 द रीजन वाज पास्ड इनटू ए ब्रिटिश एम्पायर तापर 1803 रे ब्रिटिश माने आमको नहीं आम जोटा कह दीवानी राइट्स नहीं जाइए 1775 आई थिंक मोर एक्जाक्ट डेट मन पड़ूनी तो से जो दीवानी राइट्स नले तापर बालेश्वर तापर धीरे धीरे आम ओडिशा आड़ को आसते ओडिशा रे ही तांकर प्रादुर्भाव बढ़ी चली थिला। तो 1803 रे आमर रीजन वेस्ट पास्ट इनटू द ब्रिटिश एम्पायर फास्ट आमर बेंगल सल्तनेट तापर आमर मराठास तापर आमर ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिश डिवाइडेड द रीजन इनटू पार्ट्स ऑफ अदर प्रोविंसेस।
ठीक अच्छे इन 1936 आपण मैंने जानते द प्रोविंस ऑफ ओडिशा वाज फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ओडिया स्पीकिंग पीपल ओडिया स्पीकिंग पीपल मानक नहीं कि ओडिशा बोली गोटे स्टेट आमर स्टार्ट होता कि जो थे कि आम मैंने रोचे ठीक अच्छे तो तापर पर भी आमर बहुत गुड रूलर्स आसते जमीक खारवेला आसते आमर गुप्त किंग मैंने आसते तो आपको आम आग को देखा हिस्टोरिकल नेम्स ऑफ ओडिशा ओडिशा को पूर्वर आम कौन कौन ना थिला आम हिस्ट्री रे कौन कौन ता ना सब मेंशन अच्छे आम तक देखने द रीजन व्हिच कंप्राइजेस द मॉडर्न डे ओडिशा वाज नॉट नोन बाय द सेम नेम थ्रू आउट द हिस्ट्री आज आम जोटा को ओडिशा भाव में आम स्टेट्र ना आम जाचे ठीक अच्छे से आगु से ही राज्यटा को आमको आगुरु ओडिशा बोली कहु नाला ठीक अच्छे इट एंड पार्टस ऑफ इट वेयर रेफर्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट इरा मैंने अलग अलग समय यार अलग अलग नारे परिवर्तन होता कलिंग देखो कलिंग को मुझा टे इम्पोर्टेंस कहीं जो इम्पोर्टेंट परीक्षा को नहीं कि मुझा को ही नहीं मेन्स लिखिपारे अकॉर्डिंग टू सम स्क्रिप्चर्स महाभारत एंड सम पुराणस ए किंग बली द भैरकोना मैंने बली को भैरकोना बोली कहुए द सन अफ सुताप सुतापर जो पुओ थे बली से कौन पुओ हो मैंने पुत्र सतान हो ना पांच जन राणी थे ठीक अच्छे तो से कौन कले ना रिक्वेस्ट कले क्या दीर्घत मास को प्रे कले रिक्वेस्ट कले कि मत मैंने पुत्र जन्मर मैंने मत अधिकार मिलू तो से जी सेड टू हाव बिगटन फाइव सन्स थ्रू हिज वाइफ द क्वीन सुदेशना द प्रिंसेस वेयर नेम्ड अंग भंग कलिंग सुम्ह एंड पुंद्र पांचटी राणी थे कलिंग जेहेतु जड़े राणी तो अनुसार द प्रिंसेस लैटर मैंने पांचज प्रिंसेस कौन कले अलग अलग किंगडम्स भी फाउंड कले आफ्टर देम आफ्टर देयर नेम्स द प्रिंस भंग फाउंडेड भंग किंगडम इन द करेंट डे रीजन ऑफ बांग्लादेश मैंने बांग्लादेश जोड़ा आम कौ से ओडिशार आम जो कहीपर बली जो राणी भंग भंग ही या मैंने भंगा किंगडम से बेकार बांग्लादेश कहुच्छे द प्रिंस ऑफ कलिंग फाउंडेड द किंगडम ऑफ कलिंगा ठीक अच्छे तो ओडिशा को कलिंग राणी आमर बली राणी कलिंग से आम फाउंड करते इन द करेंट डे रीजन ऑफ कोस्टल ओडिशा नाँ आसर कलिंग ठीक अच्छे उत्कल उत्कल वाज ए पार्ट ऑफ कलिंग इन सम पार्ट्स ऑफ महाभारत आपने जानते हैं यहाँ धर आम ओडिशार मैप हुए तो ओडिशार मैप्रे किटा पार्ट को धर ये पार्ट को कि ये पार्ट आम उत्कल कहला जोटा कि कलिंगर पार्ट था ठीक अच्छे महाकांतारा दिस नेम हाज बीन फाउंड इन सो गुप्ता एरा इनस्क्रिप्शन गुप्ता एरारे महाकांतारा बोली कहुई ओडिशार रीजन को तो से कतेटा समय महाकांतारा कहु हिस्ट्री में लोक मैंने डाउट कर इट लिटरली मीन्स ग्रेट फॉरेस्ट ठीक अच्छे तो उड्र उड्र आपण मैंने समस्त जानते अल्सो मीन्स उड्र देश मे हाव ओरिजिनाली रेफर टू वन एथनिक ग्रुप और ट्राइब कॉल्ड उड्र उड्र गोटे ट्राइब आम आदिवासी जाति को लेकिन होता तो से आदिवासी जातिर उड्रंकर अधिका पॉपुलेशन थी तांको ना अनुसार ओडिशार ना उड्र बोली थिला ओडियाणा ओडियाणा किए लिखी थे ओडियाणा बोली आम कौटी मेनसन अच्छी मेनसनड इन सम बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुद्ध मानकर किछरा टेक्स्ट्रे ओडियाणा बोली लिखाही ठीक अच्छे अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स मे हाव रेफर टू ओडिशा ठीक अच्छे तो किसी जन स्कॉलर से ओडियाणा को ओडिशा बोली है मेंशन करी तो अलग अलग ना आम कौन कौन देखिपर कमला मंडल कंगोड़ा तोसाड़ी ओडिशा चेदी ठीक अच्छे नेक्स्ट जी आम प्री हिस्ट्री मैंने कौन मैंने जो हिस्ट्री लिखा ही नाला ता पूर्वर आम कौन कहीपर से हिस्ट्री कौन थी जेहेतु आम पाखे कौन से रिटेन डॉक्यूमेंट्स नहीं तो से स्टेजा को आम कहीपर प्री हिस्ट्री ठीक अच्छे तो आम जाचे 140 मिलियन इयर्स एगो पूर्वर पेनिनसुलर इंडिया मैंने कौन देखु यहाँ धर आम इंडिया मैप ठीक अच्छे यहाँ कौन ऊपर पार्ट गुड़ा कौन सब कंटिनेंट्स यही पार्ट गुड़ा हूँ तार पा यही पार्ट गुड़ा हूँ तार पा तो यही पार्ट गुड़ा पा जेहेतु यही पार्ट को आम कह पेनिनसुला इंडिया ठीक अच्छे तो से इंडिया ओडिशार पार्ट है के ओडिशा इंडिया बा इंडिया भितर मोर जेहतु ओडिशा अच्छी तो 140 मिलियंस इयर एगो द पेनिनसुला इंडिया इनक्लूडिंग ओडिशा वाज पार्ट ऑफ द सुपर कंटिनेंट कौ सुपर कंटिनेंट ये जो आम एशिया जो कंटिनेंट आप देखुं ये एरियाटा पूरा आम जानते ये हूँ एशिया ये आम इंडिया रहा ठीक अच्छे ये आम यूरोप रहा ये आम आफ्रिका रहा एपटे आम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका रहा तो
ସେଇଟା ଆମର ପାର୍ଟ ହେଲା ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ସ ଡେଟିଂ ଟୁ ଲୋୟର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଟାଇମ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବା ଆମର ଟୁଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୌଣସି ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନିୟର କୁଚାଇ ନିୟର ବାରିପଦା ଭ୍ୟାରିଏସ୍ ନିଓଲିଥିକ୍ ଟୁଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ହୋଏସ୍ ଚିଜେଲ୍ସ ପାଉଣ୍ଡର୍ସ ମ୍ୟାକାହେଡ୍ସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ପିସେସ୍ ଅଫ୍ ପଟରୀ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ୟୋଗୀ ମଠ ନିୟର ଖରିଆର ହାଜ୍ କେଭ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ନିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଏତେ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଏବେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବି ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଠୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି କିଛି କିଛି ଆମେ ରଖିଛେ ବା ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏଇଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଲେଖାକୁ କି ଏବେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଛେ ବା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛେ ତା ଉପରେ ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ ଦ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ମଗଧ ଇଜ୍ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଟୁ ହାଭ୍ କନ୍କର୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ରେନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 350 BCE, the Hathi Gumpha inscription mentioned the suzerainty of the Nandas in the Kalinga region. ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଗଧର ରୁଲର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ୱାୟାର କରିଥିଲେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଆମକୁ ମାନେ ଆମର କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ୱାୟାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମର କେଉଁଠୁ ଏଇଟା ମିଳିଛି ହାତି ଗୁମ୍ଫା ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ହାତି ଗୁମ୍ଫା ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି ମାନେ ଆମର ହାତି ଗୁମ୍ଫାରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ହାତି ଗୁମ୍ଫା ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଦ ସୁଜରେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ନନ୍ଦାସ୍ ଇନ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ରିଜିଅନ୍ ଦ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଲ୍ସୋ ମେନ୍ସନ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଦ ନନ୍ଦା କିଙ୍ଗ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦେୟାର ରିଜିଅନ୍ ମାନେ କେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ 350 BCE କଥା କହୁଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଆମର ମଗଧ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ ମୌରିଆନ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବା ମୌରିଆନ୍ ଅକୁପେସନ୍ ମୌରିଆଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୌରିଆ ଉପରେ ଅଧିକ କିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ କାହିଁକି ଅଶୋକ ହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଲିଟରେଚର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତ ଅଶୋକ ଅଫ୍ ଦ ମୌରିଆନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି କନ୍କର୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡି କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଇନ୍ 261 BCE ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ 261 BCE ଆମର କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ 8th ଇୟର୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜା ହେବାର 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ କରିଥିଲେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଏଡିକ୍ଟସ୍ ଓନ୍ ଏଡିକ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେ କିଛିଟା ଏଡିକ୍ଟ ଲେଖୁଥିଲେ ଏଡିକ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବା ତାଙ୍କର ୱାଲ୍ସରେ ବା କିଛିଟା ପଥର ଖୋଦନରେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଏଡିକ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଦ ୱାର୍ ଏବାଉଟ୍ 100,000 ପିପୁଲ୍ ୱାର୍ କିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମର 15 lakh were captured and several more were affected. The resulting bloodshed and suffering of the war deeply affected Ashoka. Mane ette loko mori jaithile je Ashoka nije bi mane depression stage ku palaithile. He turned into a pacifist and converted to Buddhism. Buddhankara sarana neithile. The Kalingas had used personnel from the Atavika region which was in the West Kalinga during the war. According to his edicts, ଅଶୋକା କନ୍କର୍ ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଏଇ ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋକ କନ୍କର୍ ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କନ୍କର୍ ଦ ଅତାବିକା ରିଜିଅନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଦ ମୋରିଆନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଦ କଳିଙ୍ଗ ରିଜିଅନ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଆମର ଗଭର୍ନ କରୁଥିଲେ ଦେ ୟୁଜ୍ ତୋଷାଳି ଆଜ୍ ଦ ରିଜିଅନାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ମାନେ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ନ କରୁଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଲା ତୋଷାଳି ଆଣ୍ଡ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ସେଣ୍ଟର ଏ କୁମାର ଭାଇସରାଏ ରୋଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ତୋଷାଳି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡେ ଧୌଲି ଆଣ୍ଡ ସମ୍ପା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡେ ଜୌଗାଡ଼ ୱାଜ୍ ଦ ଆନାଦର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଶୋକ ଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏଡିକ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଜିଅନ୍ ଆଟ୍ ଜୌଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଧୌଲି ଜୌଗଡ଼ଟା କେଉଁଠି ଆମର ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ ଗଞ୍ଜାମ ନହେଲେ ବାରିପଦା ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜୌଗଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୟାନଦୀ ଏଇଟା ଦୟାନଦୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୟାନଦୀ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଏରିଆଟା ପୁରା ଥିଲା ଆମର ମଗଧ ଏଇ ବ୍ଲୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଏଣ୍ଟାୟର ଏରିଆରେ ପୁରା ମଗଧ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି କେବଳ ଏ ଏରିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏରିଆଟା କେତେବେଳେ କଲେ ଏ ଏରିଆଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ପରେ ଏଇ ଏରିଆମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିନେଲା ମଗଧ ଠିକ୍ ଅଛି
नेक्स्ट को आम जा आग आम पढ़ले देखूँ मगध डायनास्टी महापद्मानंद विषय में हाथी गुंफार इनस्क्रिप्शन अच्छी तपर मौर्यन डायनास्टी आसला मौर्यन डायनास्टी अशोक अशोक पर आम एसला कौन खारवेल खारवेल टी इम्पोर्टाट रोल प्ले करते आप जानते ओएस एग्जाम भी क्वेश्चन आसाला प्रिभस इयर सो खारवेल पर आम टे अधिका देखा खारवेल देखूँ गोटे आमर इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसीई महामेघवाहन एस्टाब्लीश द महामेघवाहन डायनास्टी इन कलिंग खारवेल वाज द थर्ड रूलर ऑफ द डायनास्टी ही रेन्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसीई माने आमर मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मेशन अबाउट खारवेल कम्स फ्रॉम द हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन इन उदयगिरी एंड उदयगिरी नियर भुवनेश्वर माने आमर भुवनेश्वर उदयगिरी जो अच्छी आमर से जो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन देखा मिले से खारवेल टाइम रो ठीक अच्छे से खारवेल विषय में भी से हाथी गुंफा लिखा हो इनस्क्रिप्शन आम कहीपर द इनस्क्रिप्शन अल्सो कल्स द डायनेस्टी आज चेदी माने आम कहीपर कि खारवेल जो डायनास्टीटा आम चेदी डायनास्टी जो थी ये देखो धर यहाँ इंडियन मैप यही एरिया पार्ट्रे आम चेदी मैंने रूल करुले तो मैंने यहाँ आंध्रा गुजरात ये पार्ट गुड़ा आम कहीपर तो ये जो रूल करुले तो आम कहीपर खारवेल भी चेदी डायनास्टी वंश बोली कहीपर आम द इनस्क्रिप्शन रेकर्ड हिज लाइफ फ्रॉम हिज बॉयहुड टू हिज 13 रीजनल ईयर माने पिला बेलू 13 वर्ष पर्यंत कौन कौन तर अचीवमेंट सब से इनस्क्रिप्शन लिखाई कौटी हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन जब परीक्षा पड़े कि हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन कौ राजा रिलेटेड कौ डायनेस्टी रिलेटेड आपर खारवेल रिलेटेड तो रेनिंग इयर एपटे आपड़ा किसी एत इम्पोर्टाट ना फिर भी आपड़ पढ़ी ने जब आप मे भी पढ़ी पारे ओडिशा मेन्स खारवेल ओएस मेन्स पढ़ी पारे कि खारवेल लिखुत बोले आप लिखिपर से वेरियस स्टेप्स नहीं थे कि प्रथम रेनिंग इयर 1 to 5 मानने प्रथम वर्ष रु पंचम वर्ष पर्यंत से बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनोमिक रिफॉर्म्स नहीं थे जोटा कि आम कहीपर कि He ascended to the throne as a proper king when he came of the age at 24. 24 वर्ष बयस से राजा हबार माने प्रकृत राजा हबार गणित होते इन द फर्स्ट इयर ऑफ हिज कोरोनेशन ही रिपेयर्ड द गेट्स एंड रामपार्ट्स ऑफ हिज कैपिटल कलिंग नगरी व्हिच हैड बीन डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म माने हमर बन्या बात्यार जो कैपिटल गेटा कलिंग नगर गेटा जोटा भांगी जाता से रिनोवेशन करते सेकेंड इयर कौन करते टेरिटोरी ऑफ सातवाहन माने हमर सातवाहन किंग सातकिन सातकर्णी वन को टेरिटोरी को इनवेड करते ठीक अच्छे एंड मार्चिंग अप टू द कान्हा रिवर जोटा कि आम कृष्णा रिवर कहीपरिया से आगे माड़ी चलते साउथ आड़क एंड इन द थर्ड इयर ऑफ हिज रेन ही ऑर्गेनाइज्ड वेरियस परफॉर्मेंस ऑफ डांस एंड म्यूजिक एंड डिलाइटेड द पीपल ऑफ द कैपिटल तृतीय वर्ष से बहुत मजा मजलिस काटे फोर्थ इयर सातवाहन किंगडम को पुणी थे अटाक करते जोटा कि आम साउथ पटक अच्छे आमर षष्ठ वर्ष ही रेमिटेड टैक्सेस एंड गेव बेनेवोलेंस बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज माने हमारे टैक्स उठे नहीं थे जहाँफल कि लोक मैंने ह्यूज प्रॉफिट इनकम करते टाइम द अकाउंट ऑफ ही सेवेन्थ ईयर इज नॉट नोन लोक को जाना नहीं सेवेन्थ वर्ष कौन होता है आम हिस्ट्री मेंशन नहीं बट दैट ईयर इज चीफ क्वीन क्वीन ऑफ बाजीरा घर द क्वीन ऑफ डायमंड पैलेस गेव बर्थ टू ए चाइल्ड माने तांकर राणी गोटे संतान को जन्म देते इन हिज 8th रीजनल ईयर ही लेड टू ए मिलिटरी एक्सपेडिशन अगेंस्ट राजगह बा राजगृह बाय दैट टाइम द यवाना इंडो ग्रीक्स वेयर एन इन पोजिशन ऑफ मथुरा वर एडवांसिंग टुवर्ड्स पाटलिपुत्र तो आमर कौन होता ना देखूँ जितेबले अष्टम वर्ष से कौन करते मिलिटरी एक्सपेडिशन मैंने सेना को लेकिन राजगृह आड़क माड़गले राजगृह आम कौटी आम बिहार पाटलिपुत्र को से बिहार रीजन में गोटे एरिया था राजगृह आमें कहीपर मगधर भी कैपिटल था राजगृह तो से टाइम से इनवेट करने माड़ी चलते सेना सहित से टाइम कौन होता ना इंडो ग्रीक्स जी राजा यवाना यवाना जीक ऑलरेडी मथुरा को कैप्चर कर सारी आपटा जानते हैं यदि आम इंडिया रो मैप हुए इंडिया रो मैप हेले ये आम यूपी यूपी रहा मथुरा यहीपटक है बिहार ठीक अच्छे जदि बिहार है से मथुरा को ऑलरेडी कैप्चर कर सारे से माड़ी आसमर
राजगिरी हवा पाटलिपुत्र को कैप्चर करने एपटू आम जाऊँच किए खारवेल कैप्चर करने ठीक अच्छे आम कलिंगर आम कहीपर तो जितेबले यवाना जाणिले इंडोग्रीक्स जे राजा जाणिले जे आम खारवेल माड़ आटाक करने पाटलिपुत्र को पट को नाप इनवेड करने तो से अटकी जाते फेरी जाते दैट्स व्हाट द इम्पोर्टेंट सीट ऑफ जैन रिलीजन एंड कल्चर आम कहीपर बुझिपारे इन कमेमोरेशन ऑफ दिस अचीवमेंट अचीवमेंट को मन रखापी ही बिल्ट ए विक्ट्री पैलेस इन कलिंग कलिंगे गोटे विक्ट्री पैलेस विजय पैलेस गोटे तैयारी करते आट ए कॉस्ट ऑफ 9800,000 पेनास आपण मैंने हिसाब करे ड्यूरींग द 9th ईयर ऑफ हिज रेन नवम वर्ष बहुत बड़ा अचीवमेंट गोटे मिलता ठीक अच्छे आउ दशम वर्ष विषय एत किसी जना ना तो आम 11-13 वर्ष भितर कौन कौन होता देखो इन द 11th ईयर ऑफ हिज रेन खारवेल डिफिटेड ड्रामीर कंट्री कौन ह्विच हाड बीन इन एक्जिस्टेंस फॉर 113 इयर्स बिफोर इस टाइम माने पूर्वर माने आम कहीपर कि आम पूर्व एक्जिस्टेंस पूर्व 113 वर्ष पूर्व गोटे ड्रामीर कंट्री थी जोटा कि से कौन कले डिफिट करदे राजा को इन द 12th ईयर हि इनवाइटेड नॉर्दर्न इंडिया फॉर द थर्ड टाइम 12 जो शासन 12 वर्ष पर से कौन कले नॉर्दर्न इंडिया को भी इनवाइट करने चलते एंड एडवांस्ड एज फार एज उत्तर पठा गोटे राज्य मान एरिया अच्छी से एरिया पर्यंत भी से माड़ी जाइए ठीक अच्छे अन् हिज रिटर्न हि टेरोराइज मगध मान मगध को भी डरईकी आसते नाली आखि देखी आसते जो से रिटर्न करुले उत्तर पठार से मगध राजा को भी मैंने भाग पारे जो ये मुझे देखा ना एरिया रे एंटार पूरा एंटार एरिया रे तोले प्राय एटा दिया हमरा मौर्यन माने करूथिले शासन करूथिले मगध भी सेते बेले बहुत पावरफुल स्टेट थिला माने ए एरिया पाख पाई कहिया कि हमरा मगध रूल करूथिला तो से एपटो तोले फेरूथिले ना एयाडू तो फेरूथिले तो तांको भी नाली आखी देखै गेले ए मु आसी हला तो जस्ट फॉर जोकिंग कहतली तो से टाइम से नाली आखि देखी भी आसते टेरोराइज मगध तापर आमर द किंग ऑफ मगध सरेंडर्ड एंड खारवेल ब्रॉट बैक द स्टैच्यू ऑफ कलिंग माने आमर कौन है ना देखो जो अन् हिज रिटर्न ही टेरोराइज मगध बाहा सतीमित ए सुंग किंग द किंग ऑफ मगध सरेंडर्ड से मगधर जी राजा थे बहास सतीमित से सरेंडर करते खारवेल को दे कौनटा ना कलिंग जिन्ना मैंने जैनांर गोटे स्टाच्यू को से स्टाच्यू किए कलिंग जिन व्वाज द स्टाच्यू ऑफ ऋषभनाथ ऋषभनाथ केते नंबर तीर्थंकर आप कमेंट सेक्शन में जनइबे आम जो 24 जन तीर्थंकर थे महावीर्जन जहाँ आप जैनिज्म पढ़ी बुद्धिज्म पढ़ी आप जानते हैं महा जैनिज्म्रे जैन रिलीजन में जे 24 आमर तीर्थंकर थे तो ऋषभनाथ आम के नंबर तीर्थंकर आप कमेंट सेक्शन में जनइबे आउ खाली पढ़ले तो हेनी ना शुणीदे तो हेनी ना आपच रिसर्च कले भी आपर माइंड से एस्टाब्लीश्ड हो ह्विच हाड बीन टेकन अवे फ्रम द कलिंग बाय महापद्मानंद ऋषभनाथर मूर्ति को बा स्टाच्यू को महापद्मानंद नहीं आई तो ये रिटर्न कर आनी तो टाइम कौन होता आउ कौन होता देखो जैनिज्म ग्रेटली फ्लरीश्ड मैंने जैनिज्म बहुत मानने डेवलप करगला ओडिशे ही वाज अल्सो एक्सटेंडिंग लिबराल पैट्रोनेस टुवर्ड्स अदर रिलीजन मैंने एमती नहीं कि से केवल जैनिज्म को मानुला अगर रिलीजियस रिलीजन पीपुल मान अत्याचार करते सेमती नहीं अगर रिलीजन मानी भी से लिबराल थे एंड ग्रेट रेपुटेशन आज द वर्शिपर अफ अल फेथ्स मैंने सबू धर्म भगवान को से पूजा करुले एंड द रिपेयरर्स अफ अल टेम्पल जिते भी भग्नावशेष आम कहीपर जो मंदिर भांगी जा भी से रिपेयर करुले हि अल्सो बिल्ड द कैब्स आट उदयगिरी एंड खंडगिरी ठीक अच्छे से कैब्स बनैले मैं उदयगिरी खंडगिरी आम जो देखुचे आम आज जो बुलुचे आम आज जहाँ मजा नौचे से सब जिनसर या खारवेल समय होता द रेकर्ड टॉप्स एट हिज 13th रीजनाल इयर 13 वर्ष पर आउ कौन है किसी जना ना इट इज प्रिज्यूम दैट ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन कुदेपासारी जे कि महामेघ बाहन डायनास्टी आम कहीपर और सक्सेसर सादा डायनास्टी प्रोबेबली कंटिन्यू टू रूल ओवर कलिंग तो 13 वर्ष पर शासन 13 वर्ष पर कौन से रेकर्ड देखा मिलनी तो ओडिशा टाइम लाइन आप मार्क करने परीक्षा आसे आपखिपारे महापद्म आपंथ मुझे तो कहली मगधर रूलर
महापद्मानंद फास्ट ओडिशा को आक्वायर करते बाय मिलिटारी फोर्स इन 1350 BC। तापर 261 BC रे किए अशोक आसते कलिंग वार करते 170 BC रे करोनेशन ऑफ खारवेल माने खारवेल को राजा भाव मंडित करा होई थिले। 600 CE रे कौन होता ना शशांक इनभेट्स कलिंग। 639 CE रे हुएनसांग विजिट करते ओडियाना। ओडियाना कौन पाई कहना से लेखारे ओडिशा को ओडियाना बोली मेंशन करते बोध से जो आसते से ओडिशा को ओडियाना बोली कहा जाऊ ओडियाना बोली मेंशन करते तो से ओडियाना विजिट रे आसते 885 CE रे जन्मेजय 1 एस्टाब्लीश द सोमवंशी डायनेस्टी। 1135 CE रे अनंत बर्मन चोड़गंग शिफ्ट हिज कैपिटल टू कटक। कटक को ट्रांसफर करते अनंत बर्मन चोड़गंग शिफ्ट हिज कैपिटल टू कटक। 1245 रे नरसिंहदेव 1 कोणार्क टेम्पल बिल्ड करते आप पचारिपे एक्जाम जे कोणार्क टेम्पल किए बिल्ड करते मुझे एवं रिसेंटली ये बुलाई जाइए कोणार्क मंदिर से मो बाबा भी मत पचारे आटा आंसर देखी नरसिंहदेव 1 तो आपण मैंने मन रखिथे 1245 रे कोणार्क टेम्पल नरसिंहदेव 1 बनते। देन क्वीन चद्रिका बिल्ड्स द अनंत वासुदेव टेम्पल इन 1278 दो इट इज नॉट दैट इंपोर्टेंट। तापर आम स्टार्ट करें कुशण कौ मैंने ओडिशा को किए किए एनसीएंट हिस्ट्री रोल करते बस अल्प दि चार्टा स्लाइड अच्छे आप देखी दिंतु। गौतमीपुत्र सातकर्णी अफ सातवाहन डायनेस्टी पसिबली हेल्ड सम स्वे ओवर सम पार्ट्स अफ कलिंगा मैंने आम सातवाहन रे रूलर थे सातकर्णी माँ का ना गौतमी से कहुए गौतमी पुत्र सातकर्णी से ओडिशा को अटाक करके नहीं जाते बोली गोटे मानने भाबा हो पसिबली पसिबल थपे कहीं क्लीयर एविडेन्स ना आज एविडेंट फ्रम कॉइन्स फाउंड एट सेवेराल प्लेसेस इन नोटेबली इन जौगढ़ शिशुपालगढ़ शिशुपालगढ़ आम खोर्धार एंड गुरुबाई इन मणिकापाटाना पूरी एमंग अदर्स मैंने यही सब एरिया रे आमर कॉइन्स देखा को मिली कौ कॉइन्स मैंने आम सातवाहन डायनेस्टी कॉइन देखा को मिली तो से एविडेंस अच्छी बोली आम भाई पार्छे कि मे बी सातकर्णी ओडिशा को मैंने आक्वायर कर थी पारती से टाइम रे। ड्यूरींग द 3rd century ए ट्राइब कॉल्ड मुरुंडास रूल्ड फ्रम पाटलिपुत्र दे हाव बीन स्पेक्युलेटेड टू हाव अराइव्ड फ्रम सेंट्रल एशिया मैंने आम पाटलिपुत्र आसी गोटे ट्राइब किए मुरुंडास भी आम ओडिशा को रूल करते दे यूज टू इश्यू कॉइन्स सिमिलर टू कुशण कॉइन्स कुशण मैंने जमी कॉइन करुते तो सेम सिमिलर टू से कॉइन को यूज करते बट अदर दैन दिज मोस्टली न्यूमिस्मैटिक एविडेन्सेस दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज मोस्टली इन द डार्क एट समय एत किसी एविडेन्स देखा मिली ना। तापर आमर आसली गुप्तास गुप्तास टाइम आम पढ़ पार गुप्तास मठारास एंड साराभा पुरियास तो आम गोटे यहीटा देखूँ यहीटा जो जिनसा पढ़ाक जाऊे ये पार्ट अफ स्पेशली ये पार्टा कौन से रिलेटेड ना कि गोटे इंपोर्टाट जिनस लिखिपर एक्जाम इन 313 BCE ए प्रिंसेस ऑफ कलिंग हेममाला इज रेकर्डेड टू हाव फ्लेड द किंगडम विथ ए टूथ ऑफ बुद्ध ए सैक्रेड रेलिक्स आपण मैंने जानते हैं श्री अरविंद श्रीमा मैंने श्री अरविंद स्कूल जो मैंने पढ़ते रेलिक्स बोली गोटे कह जाए जो थे कि आम भगवान श्री अरविंद श्रीमा सेमती आम बुद्धंर जमीक दात नख चुट्टी ठीक अच्छे यही सब जिनस अस्थि जो रखा जाए से एरिया को मैंने बा से प्लेसटा को रेलिक्स बोली कह जाए ए सैक्रेड रेलिक्स मैंने बुद्धंर गोटे दात को नहीं पलिते किए आम कलिंगर प्रिंसेस ठीक अच्छे नहीं कि पलिते हिडेन इन हर हेयर एंड प्रेजेंटेड इट टू किंग श्री मेघ बाहन ऑफ श्रीलंका श्रीलंकार किंग मेघ बाहन को लेकिन अकॉर्डिंग टू लीजेंड खेमा मैंने खेमा किए खेमा होती आम जड़े बुद्धंर डिसिप्लीज आम कहपर शिष्या से कौन करले ना लैटर मैंने आमर दे किंग को ठीक अच्छे ब्रह्मदत्त हि बिल्ट ए टेम्पल एट ए सिटी कॉल्ड दांतपुरा मैंने खेमा कौन करते ना गोटे दात को लेकिन ब्रह्मदत्त किंग को लेकिन जी कि आम मंदिर गोटे या दंतपुरार ठीक अच्छे आफ्टर सेवेराल जेनेसन ये दंतपुरार जो टेम्पल बनते ब्रह्मदत्त से ही मंदिर को भिजिट करने किए आसते ना गुहा शिवार आफ्टर सेवेराल जेनेरेसन ड्यूरींग द रेन अफ द गुहा शिवा द प्रिन्सेस अफ द प्रिन्स अफ उज्जैन केम टू दंतपुरा मैंने रेन कहा गुहा शिवा टाइम उज्जैन राजा आसते देखापी बुलाई से मंदिर को दंतपुरा को तो से टाइम कौन है से बाहा हो गले गुहा शिवा झी को हेमामाला हेमामाला आमर उज्जैन जो राजा जो बाहा वाज लैटर कॉल्ड दंत कुमार प्रिन्स टूथ
ठीक अच्छे व्वेन ए किंग आटाक्ट कलिंग जिते बड़े कलिंग को जड़े आटाक् कला जेहेतु गुहा शिवा आम ओडिशे गुहा शिवा आमर हूँ गोटे कौन गोटे रेन रेन कहार रेन मान गोटे वंश बा आम कहपर गोटे डायनास्टी तो समय झील को किए बाहर उज्जैन बामर एमपी रो जो एमपी रो राजा जो आसते से हेमामाला बाहर तो हेमामाला आ गुहा शिवा जो ज्वाई आम कहीपर दंत कुमार आम कहगला लास्ट जेहेतु हेमामाला बाहर पर दंत कुमार बोली कहगला तो जितेबाला ओडिशा को आटाक होता तो से दात को लेकिन मैंने बुद्ध दात को लेकिन मैंने आम कहीपर कि भागी जाइए मैं जो आटाक है डर से पड़े थे तो दंत कुमार एंड हेमामाला फ्लेड विथ द रेलिक टू प्रोटेक्ट इट प्रोटेक्शन देवाई भगवान को से मानुते बुद्ध को से मानते प्रोटेक्शन देवाई से मैंने आम कहीपर कि भागी जाइए तो सेटा उपर गोटे इंपोर्टेंस बोली मुझे देदेली तापर आम आसे समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त आम गुप्त डायनास्टी जे कि चंद्रगुप्त वन पुओ इज प्रिजेम्ड हाव कनकर्ड द रीजन इन हिज आल्लाहाबाद इनस्क्रिप्शन से जो आल्लाहाबाद इनस्क्रिप्शन जो खोदी की जो मिली आल्लाहाबाद जो लेखा मिली से लेखार मिलूँ जे समुद्रगुप्त भी ओडिशा को आटाक् करते समुद्रगुप्त टाइम ओडिशा भी गुप्त अंडर में रूल होता इट हाज बीन मेनसन दैट ही हाड कनकर्ड महेन्द्र अफ पिस्तपुरा जोड़ा कि मॉडर्न डे पिथपुरम इज प्रिज्यूम टू बी द देन कैपिटल ऑफ कलिंग जितेबाला कलिंगर राजधानी पिथपुरा पिस्तपुरा जोटा कि आम पिथपुरम ए कहे से तो समुद्रगुप्त भी ओडिशा को आटाक् करते कहपर मठारास इन पोस्ट समुद्रगुप्त पीरियड समुद्रगुप्त ए न्यू डायनास्टी कॉल्ड मठारास आरोज इन साउथ कलिंग में गोटे मठारा बोली गोटे मैंने आम कहपर डायनास्टी क्रिएट होता जोटा कि दे रोल्ड फ्रम पिस्तपुरा टू द बट अल्सो इश्यूड कपर ग्रांट्स फ्रम सिंहपुरा देयर किंगडम वाज प्रोबेबली स्प्रेड फ्रम महानदी टू गोदावरी महानदी गोदावरी पर्यंत पूरा किंगडमटा स्प्रेड आसला मठारास मानकर तापर आला आमर सरभपुरियास नॉट मच इज नोन अबाउट दिस डायनास्टी यांको उपरे तो जानिया भी दरकार ना ठीक अच्छे आपण मैंने खाली जानवे जे आमर मगध गुप्ताज मौर्यस आमर सरभपुरियास आमर मराठास मठारास एम सब आमको रूल कर ठीक अच्छे तापर आमर सबुठ मोस्ट इम्पोर्टेंट ईस्टर्न गंगा डायनास्टी एटा लास्ट तो आपने ध्यान सहित टी शुणे इंद्रवर्मन वन इज आस्योर टू बी द अर्लीएस्ट नोन किंग ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनास्टी मैंने आम जब जानवा जे आम गंगा डायनास्टी प्रथम किंग किए थे तेल से होती इंद्रवर्मन वन ठीक अच्छे इंद्रवर्मन वन He had his capital at दंतपुरा जो दंतपुरा विषय मुझे कहती आगु जो बुद्ध रेलिक्स जोटी थी दात गोटे थी दंतपुरा कहा जाए जे कि आमर क्षमा जो नहीं जाते जो दातटा दे ब्रह्मदत्त को सेठी जो मंदिरटा होता तो से दंतपुरा कथा कहूँ जो दंतपुरा कि कैपिटाल था कह इंद्रवर्मन वन मेनी रूलर्स अफ दिस् डायनास्टी वेन्ट बाय द टाइटल त्रि कलिंग अधिपति माने ईस्टर्न गंगा डायनास्टी रे जो भी राजा आसंती प्राय से माने एई टाइटल टा को नियंती को टाइटल त्रिकलिंग अधिपति ठीक अच्छे लिटरली द लॉर्ड ऑफ थ्री कलिंगस तीनटा कलिंगर राजा बोली त्रिकलिंग अधिपति बोली तांको कुहा जाए बा गंगा डायनास्टी जो भी राजा आसंती गंगा डायनास्टी रो ड्यूरिंग दिस पीरियड 639 CE झुआन जांग विजिटेड दिस रीजन झुआन जांग आम कहीपर से जो आम चाइनीज बा जापानीज से साइड रू किए जन आसते विजिट को आम ओडिशारू ही नोट्स दैट बुद्धिज्म वाज वाइडली प्राक्टिस्ड इन द रीजन से बुक्स लिखिं मेनसन करते बुद्धिज्म को बहुत मानुला बुद्धिज्म ही प्राक्टिस चलता ओडिशा ही मेनसन द एक्जिस्टेन्स अफ द मोनास्ट्री कल्ड पुफागिरी तो से टाइम पुफागिरी बोली भी गोटे मोनास्ट्री थिला एक्जिस्टेन्स कोटला ओडिशा रे द साइट्स वर लॉस्ट अंटिल रिसेंटली माने से साइट्स रो सब लॉस्ट हो गलानी बा हमें को परिवार भग्न हो गलानी बा हजी गलानी न्यू एक्सकैवेशन हाव फाउंड सेवरल बुद्धिस्ट मोनुमेंट्स डेटिंग टू दिस पीरियड माने बहुत गुड़े एक्सकैवेशन भी मिली जे सेवरल बुद्धिस्ट मोनुमेंट बुद्ध रिलेटेड बहुत गुड़े मोनुमेंट्स भी देखा मिले से एबे भी माने से ही आमर को कहले पुपागिरी रिलेटेड मोनास्ट्री मिले तो ओडिशा वाज कनकर्ड बाय राजेन्द्र चोल पुणी थे कौन है ना ओडिशा को कनकर्ड कले राजेन्द्र चोल को भी राजेन्द्र चोल भी कनकर्ड कर मैंने चोल डायनास्टी भी आम ओडिशा को रूल करी अफ द चोल डायनास्टी इन द इलेवेन्थ सेंचुरी टाइम आमर राजेन्द्र चोल भी ओडिशा को रूल कर
द କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଜ୍ ଏଗେନ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କଟକ ବାଇ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କ'ଣ କଲେ ନା ଦନ୍ତପୁରାରୁ କଟକକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଇନ୍ 1135 ହି ସେଟ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଯିଏ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବା ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ୍କୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ୱାଜ୍ ଲାଟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବା ହିଜ୍ ସକ୍ସେସର୍ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3 ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କିଏ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଏ ଆମର ଫିନିଶ୍ଡ କରିଥିଲେ ତ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଯିଏକି ଆମର ମନେ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମର କିଏ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3 ଆମର ବନେଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3 ଆମର ଫିନିଶ୍ କରିଥିଲେ ନରସିଂହଦେବ 1 ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ବିଲ୍ଡ ଦ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ବହୁତ ମନେ ରଖି ରଖି ପଢ଼ିବେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ନରସିଂହଦେବ 1 ଆମର କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆମର ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3 ଆମର ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସର ସହିତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ରହିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି ଆଉ ଯଦି ବା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଆପଣ ଯଦି ଲିଟରାଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲରେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆମର ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପିପିଟିଟାକୁ ପଢ଼ି ନେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ବି ରହିବନି ତ ୟାର ପିପିଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିକି ନେଇଯିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ